Good morning students, how are you all? Welcome back to our mathematics class. And kaun sa chapter kar rahe hain students? Chapter number 3, that is subtraction. Kya hai hamara chapter? Subtraction. Okay, humne bahut se topics hamare last class mein cover kar liye hain. Aaj hamara topic, matlab ki aaj hamara chapter khatam ho jayega. Ye hamare chapter ka last part. ओके इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. टॉपिक नंबर 1 दैट इज सब्ट्रैक्शन. स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन है. सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग कैसे होगा? सपोजिंग इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर 32 माइनस 8. ओके तो इसे हम कैसे लिख लेंगे? 32 माइनस 8. ओके अब ये वंस की प्लेस पर जो नंबर्स है उसे हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है. अब सोचो कि आपके पास 2 ही चॉकलेट्स है, तो आप 8 कैसे करोगे सब्ट्रैक्ट? बताओ, होगा नहीं होगा? क्या होगा? आपको यहां से बोरो करना पड़ेगा. 3 के पास से आपको बोरो करना पड़ेगा. तो जब 3 को आप कट करोगे उसमें से 1 बोरो करोगे, मतलब अगर आपके पास 3 चॉकलेट्स है और आप अपने बहन या भाई को 1 चॉकलेट देते हो, तो आपके पास कितनी बचती है? 2. ठीक है, तो मैं 3 को यहां पर काट देती हूँ और यहां पर मैं लिख देती हूँ 2 और 1 यहां से बोरो होगी, तो ये हो जाएगा 12. क्या हो जाएगा? 12. अब 12 में से आप 8 कट कर सकते हो. यस, 12 में से आप 8 कट कर सकते हो. तो 12 में से 8 कट करोगे तो क्या बचेगा? 4. क्या बचेगा? 4. अब 2 में से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं करना है. तो 2 को आप जैसा है वैसा ही यहां पर लिख दोगे, तो 32 माइनस 8 आपको क्या आंसर मिल जाएगा? 24. ओके इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं. जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां पर 2 है क्योंकि मैंने कट किया 3 को, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकती हूँ. 10s की प्लेस पर मैं 2 लिख सकती हूँ और 1s की प्लेस पर ये जो 1 एंड 2 12 है, 1 2 12 वो भी लिख सकती हूँ. ठीक है, तो 10s की प्लेस पर है 2, 1s की प्लेस पर है 12. अब आपको क्या माइनस करना है? 8. तो 12 में से आपको 8 माइनस करना है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 4. और 2 में से कुछ माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं, तो 2 जैसा है वैसा ही रहेगा. ठीक है, 24 24. इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. समझ में आ गया? अब है सब्ट्रैक्ट इन 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग. सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट्स विद बोरोइंग, तो उसमें भी आपको कैसा करना है? देखो, 42 माइनस 16. अब इसमें भी क्या है, पहले तो ये 2 डिजिट नंबर्स हैं. ओके अब बोरोइंग के साथ सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे? 2 माइनस 6 करना है पहले. क्यों? क्योंकि ये 1s की प्लेस वैल्यूज है. ओके तो 2 माइनस 6 होगा? नहीं होगा. 2 माइनस 6 होता है? नहीं होता. तो क्या करेंगे? 4 को कट करेंगे, 1 बोरो करेंगे. ठीक है, कट 3 और यहां पर मैंने 1 लगा दिया. अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये डाउट होगा कि यहां पर अगर मैं 4 को कट कर रही हूं तो मैं 1 नंबर ही पीछे जा रही हूं. मैं क्या कर रही हूं? 1 ही नंबर पीछे
पीछे जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो मैं थ्री लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर कैरी करती हूँ बोरो करके, तो ये ट्वेल्व क्यों हो जाता है, ये एक नंबर ही क्यों नहीं बढ़ता। मतलब यहाँ पर मैंने एक नंबर लेस लिखा, तो यहाँ पर एक नंबर मोर करके क्यों नहीं लिखती हूँ। मतलब टू में अगर मैंने बोरो किया है तो टू प्लस वन थ्री क्यों नहीं लिखती हूँ मैं, क्योंकि ये टेंस की प्लेस वैल्यू है जो हम बोरो कर रहे हैं। क्या है? टेंस की प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेंस की प्लेस वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर बढ़ेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, टेन प्लस टू मतलब कि ट्वेल्व। समझ में आ गया? अब ट्वेल्व माइनस सिक्स तो 12 माइनस सिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? 12 माइनस सिक्स सिक्स होता है, ओके। और अब टेंस की प्लेस वैल्यू देखते हैं, ये 3 माइनस 1 आएगा, 4 को मैंने ऑलरेडी कट कर दिया है, उसकी जगह पर मैंने 3 लिखा है, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 42 माइनस 16 26। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस। अवर थर्ड टॉपिक सब्ट्रैक्टिंग थ्री डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। ये था टू डिजिट नंबर्स का, अब हम जो करेंगे वो होगा थ्री डिजिट। ओके। अब क्या करना है, इसमें भी हमें सेम रूल फॉलो करना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते वक्त हमेशा वंस की प्लेस पर पहले कर देंगे कैलकुलेशन, ओके। तो वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं, 3 माइनस 7। अब बताओ 3 माइनस 7 कैसे होगा? 3 तो छोटा नंबर है 7 से, तो नहीं होगा, तो बाजू में से बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाजू में से बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को कट कर देंगे और ये बन जाएगा 3, ठीक है। और यहां पर हम 1 कैरी कर देंगे तो ये क्या बन गया, 1 3 13। क्या बन गया? 1 3 13। अब 13 माइनस 7 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 13 माइनस 7 क्या होगा स्टूडेंट्स? 13 माइनस 7 6 होगा, ओके। अब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होगा? 3 माइनस 2 1। और 1 के नीचे कोई नंबर है, आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं करना है, तो 1 को जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 116। 143 माइनस 27 इज इक्वल टू 116, 116। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फोर्थ टॉपिक नंबर स्टोरीज, ये हमने एडिशन में भी किया है स्टूडेंट्स, ये नया टॉपिक नहीं है। नंबर स्टोरीज क्या है? सपोज इफ आई एम राइटिंग देर आर 10 apples Roman 8 4 apples How many apples are left? क्या लिखा मैंने? There are 10 apples, मतलब 10 apples हैं, उसमें से रोहन ए 4 apples, रोहन ने 4 apples खा लिए। How many apples are left? 10 apples थे, उसमें से रोहन ने 4 खा लिए, तो अब कितने
लेफ्ट मतलब कितने बच्चे, बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं, 10 में से 4 को माइनस कर दिया तो अब कितने एप्पल्स हैं, ठीक है। बच्चे मतलब छोटे बच्चे मत समझना, कितने एप्पल्स अभी भी हैं, तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 10 लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स रोहन एट, कितने खाए रोहन ने, 4, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट, मतलब कि कितने बच्चे हैं, कितने अभी भी हैं, 10 माइनस 4 मतलब कि 6, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये नंबर स्टोरीज है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग है, इसके पहले हमने किया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग और सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। अब इसके और एग्जांपल्स और सम्स हम हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, इन दैट कम टू पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, अवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट टुडेज डेट ओवर हियर। We can also subtract numbers by expanding them. मतलब numbers को expand करके भी subtract किया जा सकता है। कैसे? For example, subtract 43 minus 7. 43 minus 7. कैसे subtract करेंगे? 43 को expand करेंगे. 43 क्या होगा? 4 tens plus 3 ones. 4 tens plus 3 ones. This can also be written as 3 tens and 13 ones. 3 tens and 13 ones after regrouping. So 43 minus 7 can be written as 3 tens plus 13 ones minus 0 tens plus 7 वंस। अब इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट द वंस एंड देन द टेंस। पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करना है, 13 माइनस 7 क्या होगा, 13 माइनस 7 6 होगा। ओके, और 3 टेंस माइनस 0 टेंस तो 3 टेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रीग्रुपिंग भी हो सकता है और दूसरी तरह से भी सब्ट्रैक्शन होता है बाय बोरोइंग, ठीक है। देयरफॉर 43 माइनस 7 इज इक्वल टू 36। ओके, सब्ट्रैक्ट 61 माइनस 16, 61 माइनस 16, 61 को एक्सपांड कर देंगे, 61 इज इक्वल टू 6 टेंस प्लस 1 1। This can also be written as 5 tens and 11 ones after regrouping. So 61 minus 16 can be written as 5 tens plus 11 ones minus 1 ten plus 6 ones. 11 minus 6, 5. 5 minus 1, 4. तो आंसर क्या मिलेगा, देयरफॉर 61 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 65। ओके, टर्न योर पेज, सब्ट्रैक्टिंग टू डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, हमारा आज का दूसरा टॉपिक, बोरो करके सब्ट्रैक्ट करना है। Suppose we want to subtract 26 from 72. When we subtract the two numbers in the ones column, we find that
2 is less than 6. 2 is less than 6. So what should we do? अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि 72 minus 26 करने में ones के कॉलम को हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 minus 6 होगा, लेकिन 2 है वो 6 से छोटा नंबर है. क्या है? छोटा नंबर है. तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? Here we borrow 1 from the number in the tens place. मतलब यहाँ पर जो tens के कॉलम में 7 है, वहां से हम 1 borrow करेंगे from the number in the tens place. It then makes 12. 12 minus 6 is equal to 6. 12 minus 6 is equal to 6. This is called borrowing 1. This is called borrowing 1. Since we borrowed 110 from the number 7 in the tens column, we now have only 6 tens left. मतलब यहाँ पर जो tens के कॉलम में 7 था, उसमें से हमने एक ले लिया, तो उससे एक नंबर छोटा हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 6 tens left. Then 6 minus 2 is equal to 4. Therefore, our answer is 46. Okay? Subtract the following numbers. 42 minus 23. 42 minus 23. पहले ones के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 minus 3 करना है, तो 2 minus 3 कैसे होगा? 2 तो 3 से छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे? 4 से बोरो करेंगे. क्या करेंगे? 4 से बोरो करेंगे. तो 4 को कट करके यहाँ पर लिख देंगे 3, और यहाँ 2 के बाजू में कर देंगे कैरी 1. ओके? अब क्या हो गया? 12. क्या हो गया? 12. 12 minus 3. 12 minus 3 कितना होता है? 12 minus 3, 9. और अब जब यहाँ पर 3 है, तो क्या होगा? 3 minus 2, 1. ओके? समझ में आया? एक और देखते हैं. 56 minus 19. 56 minus 19. 6 है, वो 9 से छोटा है. तो क्या करेंगे? Tens के कॉलम में से, मतलब के 5 में से एक बोरो करेंगे. तो 5 को कट करके यहाँ पर लिख देंगे 4. 6 के आगे 1 को कैरी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16. क्या हो जाएगा? 16. अब 16 minus 9 कितना होता है? 16 minus 9, 7. और 4 minus 1. 4 minus 1 क्या होगा? 4 minus 1, 3. ओके? समझ में आ गया? तो ये जो बाकी के सम्स हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं. ओके? Come to the next page. Subtracting 3-digit numbers with borrowing. We have already learned how to borrow and subtract. In case of 3-digit numbers, we can borrow from the tens and hundreds column also. हम tens में से कैसे borrow करना है, ये जान चुके हैं, ये हमने देख लिया है. अब 3-digit numbers में आप tens से भी borrow कर सकते हो और 100 से भी बोरो कर सकते हो. कैसे? लेट अस सब्ट्रैक्ट 374 माइनस 139. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स इन द वंस कॉलम, मतलब कि 374 माइनस 139 में वंस के कॉलम पर जो 4 और 9 है, उसमें 4 क्या है? 4 इज लेस देन 9. बोरो 110 फ्रॉम द नंबर इन द टेंस प्लेस, मतलब यहाँ पर जो 7 है, वहां से 110 को बोरो करो. इट देन मेक्स 14 इन वंस कॉलम. इट देन मेक्स 14 इन
1's column and 14 minus 9 is equal to 5. Okay, 1 को borrow करोगे तो वो क्या बन जाएगा 14 और 14 minus 9 क्या होगा 5. Okay, we then subtract 6 minus 3 is equal to 3. 1's के column को subtract कर दिया, अब 10's का turn. 10's का टेंस के कॉलम में 6 माइनस 3 कर दिया तो अब आंसर क्या आया 3. उसके बाद 100's के कॉलम में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो 374 माइनस 139 हमारा आंसर क्या आया 235. ओके एक और है. लेट अस सबट्रैक्ट 500 माइनस 255. 500 माइनस 255. यहां पर लिख देंगे 500 माइनस 255. वी फाइंड दैट वी कैन नॉट बोरो फ्रॉम द टेंस कॉलम एज द नंबर देयर इज 0. यहां पर 500 है, यहां पर 0 माइनस 5 करना है तो वो नहीं होगा. तो अब तक हम क्या करते थे कि टेंस के कॉलम में से बोरो कर लेते थे, पर लेकिन टेंस की कॉलम में भी यहां पर 0 है तो अब क्या करोगे. नाउ यू गो टू हंड्रेड्स, यू गो टू हंड्रेड्स. यहां पर 5 को कट करके 4 लिखो, 1 को टेंस की कॉलम में कैरी करो, वो बन जाएगा 10. अब आपको 1's के कॉलम के लिए टेंस की कॉलम में से बोरो करना है तो 10 को कट करके वहां पर लिख दो 9 और वो 110 कैरी करो 1's में. देखो 5 को कट करके 4 लिखा, 1 को कैरी किया, फिर 10 को कट करके यहां पर 9 लिखा और 1 को कैरी किया तो ये हो गया 10. अब 10 माइनस 5 क्या होगा, 10 माइनस 5 5. ओके अब टेंस की कॉलम में 9 माइनस 5 होगा, 10 माइनस 5 नहीं होगा. 10 को कट करके हमने 1's के कॉलम में कैरी किया है तो 10 को कट करके हमने यहां पर 9 लिखा है तो 9 माइनस 5 करेंगे. 9 माइनस 5 क्या होगा, अगेन 5. वी देन बोरो 100 फ्रॉम द हंड्रेड्स कॉलम, जो हमने बोरो कर लिया है. वी देन गेट 10 टेंस विच बिकम्स 9 टेंस आफ्टर बोरोइंग 110 फॉर द वंस प्लेस. ये मैंने आपको बता दिया कि 100 में से 1 कैरी करोगे तो वो बन जाएगा 10 और आपको 1's को भी देना है तो 10 को काट करके हम वहां क्या लिख देंगे 9. ओके वी दस गेट 10 टेंस. ओके ये हमने 1's की कॉलम का जो किया है वही रिपीट है. अब 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 इन 1's प्लेस, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 इन द 10's प्लेस और 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इन द 100's प्लेस. ओके समझ में आ गया स्टूडेंट्स. टर्न योर पेज. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद बोरोइंग. क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. ओके सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद बोरोइंग. क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है बोरोइंग के साथ. फर्स्ट वन देखते हैं, 665 माइनस 288. सबसे पहले 1's के कॉलम पर जो नंबर्स है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 8 करेंगे तो 5 माइनस 8 नहीं हो सकता क्योंकि 5 जो है वो 8 से छोटा नंबर है तो हमें 10's के कॉलम में से बोरो करना पड़ेगा. ठीक है तो 10's के कॉलम में 6 को काट करके यहां पर हम लिख देंगे 5, 1 को यहां कैरी कर देंगे तो ये हो जाएगा 15. अब 15 माइनस 8 क्या होगा, 15 माइनस 8 7 होता है. ठीक है 7 लिख दिया. अब 10's के कॉलम, 10's के कॉलम में फिर से क्या है 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 अगेन 5 माइनस 8 नहीं होगा तो हम 100's के कॉलम में से बोरो करेंगे
तो यहाँ पर हम फिर से 6 को काट करके 5 लिख देंगे, 1 को यहाँ कैरी कर देंगे, अगेन ये हो जाएगा 15, ओके तो 15 माइनस 8 क्या होगा, 15 माइनस 8 अगेन 7, ओके एंड लास्ट हंड्रेड्स कॉलम 5 माइनस 2 क्या होता है, 5 माइनस 2 3, ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट वन 763 माइनस 427 427, सबसे पहले वंस के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 माइनस 7 नहीं हो सकता क्योंकि 3 7 से छोटा नंबर है, तो टेंस के कॉलम में से बोरो करेंगे, 6 को काट करके यहां पर लिख देंगे 5 और 3 में कर देंगे कैरी, तो ये बन जाएगा 13, ओके अब 13 माइनस 7 करना है, क्या करना है 13 माइनस 7 क्या होगा 6, क्या होगा 6, ओके अब टेंस के कॉलम 5 माइनस 2 क्या होगा 3, ओके एंड लास्ट हंड्रेड्स कॉलम 7 माइनस 4 क्या होगा 7 माइनस 4 3, ओके समझ में आ गया कैसे करना है। बाकी के जो सम्स हैं वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, नंबर स्टोरीज, ओके ये हमने एडिशन के चैप्टर में भी कर लिया है, नया नहीं है, वहां एडिशन करना था, यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, ओके राइट द स्टेटमेंट्स एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पहला वाला देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है श्याम हैज 145 पेंसिल्स, श्याम के पास कितनी पेंसिल्स हैं 145, ही गिव्स 25 ऑफ देम टू हिज सिस्टर, अब वो उसकी बहन को कितनी पेंसिल्स देता है 25, ओके हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ हिम, अब श्याम के पास कितनी पेंसिल्स बची हैं, स्टेटमेंट क्या आएगा नंबर ऑफ पेंसिल्स विथ श्याम, नंबर ऑफ पेंसिल्स विथ श्याम मतलब श्याम के पास कितनी पेंसिल्स है 145, ओके ही गिव्स टू हिज सिस्टर, उसकी बहन को कितनी दिए उतने उसने 25, तो उसके पास जो थी उसमें से उसने अपनी बहन को दी, तो इतनी उसके पास कम हो गई। अब अगर कम हुई है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो 145 माइनस 25, पहले वंस के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, देन 4 माइनस 2 क्या होगा 2 और 1 वैसे का वैसा क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, ओके तो लास्ट में हमें क्या मिला पेंसिल्स लेफ्ट विद हिम मतलब कि श्याम के पास अब कितनी पेंसिल्स बची 120, ओके समझ में आ गया। एक हम ट्राई करेंगे, बाकी के ये जो दो है वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अ ट्रेन कैरीड 90 पैसेंजर्स, एक ट्रेन में 90 पैसेंजर्स आ सकते हैं, एट अ स्टेशन 29 ऑफ देम गॉट ऑफ, एक ट्रेन में 90 पैसेंजर्स बैठे थे, उसमें एक स्टेशन आया तो वहां पर 29 पैसेंजर्स उतर गए, ओके हाउ मेनी पैसेंजर्स वर लेफ्ट इन द ट्रेन, अब जो 29 निकल गए हैं उतर गए हैं उन्हें निकालने के बाद कितने पैसेंजर्स अब ट्रेन में बैठे हैं कितने हैं, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन,
कितने थे? 9090. ओके, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 'got off', मतलब कि उतर गए. कितने उतरे? 29. ओके, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स 'left in train', कितने ट्रेन में है? इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. पहले वंस के कॉलम को माइनस करेंगे तो 0-9 नहीं होगा. टेंस में से बोरो करना पड़ेगा, 9 को काट करके यहां पर लिख देंगे 8, 1 को कैरी कर देंगे तो 10-9 क्या हो जाएगा? 10-9 1. ओके, और 8-2 क्या होगा? 8-2 6. ठीक है, तो अब ट्रेन में कितने पैसेंजर्स बचे हैं? 61. कितने? 61. समझ में आ गया स्टूडेंट सबको? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारा ये जो लास्ट पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन था वो आपको समझ में आ गया है. एंड यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर. हमने आज 4 टॉपिक्स किए, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग और नंबर स्टोरीज. इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास और ये सब्ट्रैक्शन का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. ओके, वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन.